दोस्तों ये हमेशा उस मोबाइल पे आता है जो आपके कंट्री में ऑफिशियली तौर पे लॉन्च ना हुआ हो। और बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपके कंट्री पे कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है, जैसे कि आप लोग को दोस्तों पता है कि सैमसंग का अगर कोई मोबाइल यूके में लॉन्च होता है, चाइना में लॉन्च होता है, तो उसके बाद इंडिया में उनकी एक अलग डेट होती है। तो दोस्तों ऐसे मोबाइल भी आप लोगों ने देखे होंगे कि आपको किसी ने भेजा होगा, बाहर से आया होगा, आपको आपके मुल्क में वो ऑफिशियली तौर पे लॉन्च नहीं किया जाता। तो दोस्तों उन मोबाइलों में जैसे आप अपनी कंट्री का सिम उनमें डालते हैं तो ऊपर लिखा हुआ जाता है साइन इन टू नेटवर्क, क्योंकि बैकग्राउंड पे उस मोबाइल में वो सिम जो है रजिस्टर्ड नहीं होता। और जो मोबाइल आपके ऑफिशियल कंट्री में लॉन्च होते हैं उन मोबाइलों पे ये मसला इसलिए नहीं आता दोस्तों, क्योंकि उस मोबाइलों में ये सेटिंग बकायदा की गई होती है और आप अपनी कंट्री का कोई भी सिम अगर उनमें डालते हैं तो वो इजिली जो है रजिस्टर्ड उनमें पहले से होता है। तो ये दोस्तों कुछ बातें थी जो कि मैं चाह रहा था कि इनको आप लोगों ने कैसे फिक्स करना है। और अगर आप कल को कोई मोबाइल ले लेते हैं और आप उनमें जियो या अपने पाकिस्तानी नंबर या इंडिया का या कहीं पे भी आप अपनी कंट्री का सिम उनमें डालते हैं और वहां पे आप लोग को बताया जाता है साइन इन टू नेटवर्क, तो दोस्तों आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोगों ने ये कैसे सॉल्व करना है, बल्कि रजिस्टर्ड कैसे करना है उस सिम को, क्योंकि आपका सिम उस डिवाइस पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोस्तों यहां पे आप लोग को एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मैं चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में आप लोग को और भी मोबाइल के रिलेटेड अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज आप लोग को डेली लाइफ में मिलते रहे, जो कि बेसिकली मैं डेली लाइफ में डेली बेस पे आप लोग के लिए मोबाइल के रिलेटेड वीडियोज बनाता हूं। और जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फ्री में आप इस चैनल के मेंबर बन जाएंगे और आने वाले दिनों में आप लोग को डेली बेस पे मेरी वीडियोस भी मिलते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद ऊपर आप लोगों ने कनेक्शन फाइंड करना है जिनमें वाईफाई, ब्लूटूथ और ये होता है। उसके बाद जैसे आप चले जाते हैं तो वहां पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा और यहां पे मैं आप लोग बता दूं, यहां पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क के हवाले से। तो दोस्तों आप लोगों ने ये ऑप्शन फाइंड करना है और उसके बाद जैसे आप मोबाइल नेटवर्क जो है वो फाइंड कर लेते हैं, बेसिकली मैंने ये किया था लेकिन मैंने फिर इनकी तस्वीरें अपने मोबाइल में बना ली ताकि आप लोग को मैं बता दूं। जैसे आप मोबाइल नेटवर्क में चले जाते हैं यहां पे आप लोग दोस्तों तस्वीरें भी देख सकते हैं, तो यहां पे आप लोग को एक नेटवर्क ऑपरेटर का एक ऑप्शन आप लोग को मिल जाएगा। जैसे आप लोग नेटवर्क ऑपरेटर पे क्लिक कर लेते हैं तो आप लोग के सामने दो ऑप्शन आ जाएगी और आप सिंपली जो है सर्च नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। और जैसे आप सर्च नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो भी आपके इर्द गिर्द कंट्री के जितने भी यानी कि मोबाइल कनेक्शन है उनके सिग्नल आपको शो हो जाएंगे, उनके नाम आपको शो हो जाएंगे। तो जो दोस्तों आप लोगों ने सिम डाला है अपने मोबाइल में आप लोगों ने उसी नाम का, जैसे कि लाइक मेरा जोंग है तो मैंने जोंग को जैसे क्लिक किया तो मेरा मोबाइल साइन इन इस नेटवर्क में मैं साइन इन हो गया, मैं रजिस्टर्ड हो गया। तो ये कुछ कहानी थी दोस्तों और आप ऐसे जो है फिक्स कर सकते हैं बिल्कुल एक रियल वीडियो और बिल्कुल एक रियल मेथड से। ये आप लोग को जो इंडियन यूट्यूबर बताते हैं कि आप लोगों ने इनका डेटा कनेक्शन करना है, बेसिकली उनको उनके बेस का नहीं पता कि ये असल में किस चीज की नोटिफिकेशन है और ये हमें क्यों आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी हुई। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर आने वाले दिनों में आप लोग और भी मोबाइल के रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो टिप्स जानना चाहते हैं तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब का बटन है उनको भी क्लिक करें। सो इस वीडियो में दोस्तों आज हमने जाना यहां पे, जैसे कि ऊपर आप लोगों ने थंबनेल भी देखा और आप इजीली जो है ये चीजें सीख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने जाना साइन इनटू नेटवर्क। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो में।